एक बहुत ही बड़ी सिंगर के निधन की खबर आ रही है ईद के दूसरे ही दिन। जी हाँ, हमारे इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कोरियन सिंगर पार्क बो राम के बारे में, जो कि 30 साल की उम्र में हम सब के बीच से गुजर गई हैं। जी हाँ, निधन से ठीक पहले दोस्तों के साथ काफ़ी नशा भी किया था इन्होंने, रिपोर्ट्स कह रही है फेमस दक्षिणी कोरियाई सिंगर पार्क बो रैम को लेकर। जी हाँ, ईद के ही दिन इस सिंगर का निधन हुआ। रिपोर्ट ये आई है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ईद के ही दिन ली थी और उनके निधन से कुछ समय पहले उन्होंने नशे में डूबकर खूब शराब पी थी। पुलिस अधिकारी अभी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने ही इस खबर की पुष्टि की कि नशे में धुत थी निधन से पहले ये 30 साल की उम्र की मशहूर कोरियन स्टार। जी हाँ, और उनके अचानक निधन से उनके चाहने वाले इस वक्त काफ़ी दुखी हैं। बताना चाहेंगे हम आप सबको, एजेंसी की तरफ से बयान जारी किया गया है दुखद समाचार को लेकर कि ईद की ही रात हमेशा के लिए गुजर गई पार्क बो रैम। और ये भी तकलीफ देने वाला है कि सपोर्ट करने वाले सभी फैंस को ये खबर अचानक बतानी पड़ रही है। सभी उनके चाहने वालों ने इस पर दुख जाहिर किया है। बता दें, रात करीब 9:55 पर बाथरूम में वो गई थी नशे करने के बाद और फिर वो लौटी ही नहीं। बाथरूम में जब दोस्त गए तो देखा वो बेहोश थी सिंक के ऊपर। और इसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनके निधन की खबर की पुष्टि कर दी। नेक्स्ट 9 लाइव सिर्फ एक रिपोर्ट।